अधरिया का संगीत है और मीरा की सगाई और 3 दिन बाद अभिषेक की शादी है. कान खोल कर सुन लो सबके सब, इस बार कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए. बहुत मुश्किलों से अभिषेक की शादी तय हुई है. बाहर वालों की नजर लगते देर नहीं लगती है. अरे सिर्फ सिरे हिला रहे हो या सुन भी रहे हो? अच्छा सुनो, मैं ये चाहती हूँ कि जब तक रिया का संगीत अमीरा की लगाई निपट नहीं जाते हैं, तब तक अभिषेक की शादी की भनक इन बाहर वालों को कतई नहीं लगनी चाहिए. ऐसा क्यों चाची? पर ऐसा क्यों? अरे बलराज, इस सब के पंचायत करने का वक्त नहीं है मेरे पास. लेकिन अम्मा, अरे अभिषेक की शादी 3 दिन बाद है और अभी संगीत और सगाई की तैयारी भी बाकी है. बस जो मैंने कहा है उसे गांठ बांध लो और काम में जुट जाओ. रामराज, घूरने से फुर्सत मिल जाए ना तो रसोईया और डेकोरेटर दोनों बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात कर लेना. अम्मा किस किस से बात करो? अब ये सामान लिखो, हिसाब लिखो कि कॉन्ट्रैक्टर रसोईया से बात करो. बोलो जब बात करते हैं. ये जाएगा, तू जा. तू सारे काम मैं करूंगा. चल चल, कैसे बात करते हैं बताता हूँ तुझे. मरो आप ही भैया. रुक जा, साथ में चल मुझे. हाँ चलो. और तू क्या खीसे निपोर रही है? जा जाके मेहंदी लेकर जा. जी अम्मा जी. ये लो, मुझे तो लगा था कि हम शादी का ढिंडोरा पीट कर उस मीरा को ये जताएंगे कि कैसे हमने उसका खेल खराब कर दिया. पर यहाँ तो बच्चों की सी बात मत कर मधु. बच्ची वो है कि तू? अरे अम्मा, लेकिन अरे उस अमीर जादी का कोई भरोसा नहीं है. कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर. अम्मा वैसे ना उस... अरे रहने दे मधु, यहाँ खड़ी खड़ी बहस कर रही है उससे फायदा है कुछ? रसोई में खाना अपने आप नहीं पक जाएगा. जा रही हूँ, चल. हे भोलेनाथ, अपनी कृपा बनाए रखना. बस किसी तरह से ये शादी अच्छी तरह से निपट जाए. कुछ हुआ? कोशिश कर रहा हूं अभी भी. एक मिनट. आया. ये देख, यही बोला था ना, ये ऐसे ये ऐसे. भाई जी इनको करो ना बराबर उसको. सारी तैयारियां हो गई? जैसा आपने कहा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है, सिवाय एक चीज को छोड़कर. तुम्हारे यहाँ का क्या कल्चर है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ दुल्हन अपनी सगाई से पहले आधी रात को अगर किसी और लड़के के साथ दिखे तो फिर हम. सर प्लीज, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है. मीरा जी का कुछ सामान छूट गया था वो. सर मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैंने. या तो तुम बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो या तो फिर कुछ छुपाने की. ये मेरी आखिरी वार्निंग है. अगर मेरी बेटी की सगाई में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा. इज दैट क्लियर? एक सवाल पूछा था अमन के बारे में, उसका जवाब तो दिया नहीं. स्माइल ऐसे करे जैसे किसी ने जबरदस्ती चिपका दी. दिन में सफा जाए. मीरा, अभी तो तुम तैयार नहीं हुई, मेहंदी का वक्त हो गया है. अरे हाँ, वो कुछ खाया तुमने? हाँ मैंने. वो क्या चल रहा है? सारी अरेंजमेंट्स हो गए? अरे
मीरा अब तक रेडी नहीं हुई तू? मैं जा ही रही थी बस। ये लोग भी आ गए। मुझे तो इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, पता है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरी शादी हो रही है। थैंक यू। सारी तैयारियां देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम अपने घर पर नहीं है ना। अच्छा, अरे वो मेहंदी का टाइम हो गया, चलिए। हाँ हाँ, मीरा आ जाओ मेहंदी हमारे साथ। आओ रिया जी, आओ ना। मेहंदी में अपने होने वाले पति का नाम छुपाया जाता है, और जो लड़की उस नाम को ढूंढ लेती है उसका जन्म जन्म का रिश्ता हो जाता है। हाँ। हमने तो अभिषेक का नाम देखते ही पहचान लिया था। देखिए, अरे वाह। मीरा जी, मेरा तो बड़ा मन हुआ कि आपको भी इस डिजाइन की फोटोकॉपी करवा के दे दूं, फिर सोचा कि इसमें तो अभिषेक का नाम है, आपके हाथ पे बिल्कुल सूट नहीं करेगा। मीरा, इतना घबराए हुए क्यों और ये भैर क्यों मिला रहे हो बार बार? बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आ रही है जैसे एग्जाम में नहीं होती है। बिल्कुल। अच्छा, अमन की ट्रांसफर के लिए मिनिस्टर साहब से बात हुई? पापा, बता दो। सॉरी, मैं आती हूँ अभी 5 मिनट में। हाँ दीदी, पकड़ो। आजा दादी का, तू भी मेरे साथ आजा। अरे रुक, अरे छोड़, अभी आई कहाँ मैं बहुत। पापा, बता कैसी लग रही है पापा? बहुत अच्छी लग रही है। पता है पापा, इस मेहंदी में ना आपकी भी खुशी छुपी हुई है। लाइफ में मैं पहली बार कुछ ऐसा काम करने जा रही हूँ जिससे आप निराश ना हो। इस मेहंदी में भी ना अमन का नाम छुपा हुआ है। क्या आप? मीरा? हाँ? तू घबरा रही है? हाँ पापा, मतलब मैं लाइफ में हमेशा आपको निराश किया है, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी खुशी के लिए कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज ना करें। क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना पापा, तो मुझे लगेगा कि मैं अपनी लाइफ के सबसे बड़े एग्जाम में फेल हो गई। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, याद आए, याद आए, है ना? हाँ? मीरा जी, मैं आपके चेहरे पे बस मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। फिर से अभिषेक की झूठी मुस्कुराहट। बेटा मैं आ रहा हूँ। हाँ साहब, हमारे सारे रिश्तेदार बहुत ही हैरान हैं कि आप अमन के ट्रांसफर के लिए बहुत जोर लगा रहे हैं। कहाँ जा रही है मीरा?
मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। पर मम्मा आपने ये भी तो नहीं बताया था ना कि बात इतनी बड़ी है। यहाँ पे तो सब कुछ बहुत सीरियस लग रहा है, ये सब कुछ गलत हो रहा है। मैं जा रही, एक बार अमन से बात। इसे नहीं उठ के जाते ना बेटा, बुरा लगता है। इस वक्त अमन से बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है माँ। वो पापा को इतने स्ट्रेस में डाल रहा है। अच्छा तुम यही रुको, मैं बात कराती हूँ। मामा मैं भी तो बात कर सकती हूँ ना। हाँ जी हाँ जी, कागजात तो आपके सारे ठीक है, पूरी प्रॉपर्टी गिरवी रखेंगे तो कम से कम 50 लाख तो मिल ही जाएंगे। वो मैं एक तो देनदारों से बात करके आपको मिलता हूँ पंत भवन पे। नहीं नहीं, यहाँ घर पे नहीं। क्या है, शादी का माहौल है, बहुत तामझाम फैला हुआ है, आप मुझे फोन कर लीजिएगा। चंगा। रोहन क्या हो गया तुझे अचानक? तूने कुछ भी नहीं खाया, ले खा। रोहन बेटा, रोहन गॉड प्लीज हेल्प मी, अभिषेक भैया। उन लोगों में से वो जो घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता है ना तो उंगली टेढ़ी नहीं करते, और इस वक्त मैं खुद को भी नहीं शर्मिंदा करना चाहती हूँ और उस घी के डब्बे को भी। ऐसी हूँ मैं। अमन के बारे में जो मैंने सवाल पूछा था, अगर तुम्हें उसका जवाब नहीं देना है तो ठीक है, सबका अपना कम्फर्ट लेवल होगा, तुम्हारा भी होगा, इट्स ओके। पर तुम कम से कम ऐसे मुझे अवॉइड तो मत करो। अगर मैं ऐसे परेशान नहीं होती ना तो मैं कभी भी तुमसे ये सवाल नहीं करती। पता नहीं क्यों मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है। आज खुशी का दिन है, सबको खुश होना था, पर खुशी नहीं है। पता नहीं अमन, तुमसे जरूरी बात करनी थी। आइए ना बैठिए। जी बेटा, प्रहलाद ने अपने 30 साल के करियर में कभी भी किसी से भी कोई फेवर नहीं लिया है, और तुम तो जानते ही ना कि ये ट्रांसफर आंसर ये सरकारी मामला है तो काफी मुश्किल भी है, और काफी परेशान से भी हैं प्रहलाद। तो तुम्हें ये सोच रही थी कि क्यों हम शादी। सच? बस एक प्रॉब्लम है, मुझे शादी की डेट को थोड़ा पुश करना पड़ेगा। अब मुझे भी तो देवपुर में सेटल होने के लिए कुछ वक्त लगेगा ना। आंटी जी मुझे गलत मत समझिए, ये सब मीरा के लिए तो कर रहा हूँ। देखिए वो एक शहर की लड़की है जिसने देवपुर जैसे छोटे शहर की ना तो लाइफस्टाइल और ना रहन सहन देखा है,
अब यहाँ पर एडजस्ट होने के लिए उसे थोड़ा वक्त और लगेगा ना। आई थिंक हम शादी की बात भी तभी कर लेंगे। बेटा अगर तुम्हें ये बात सोचकर परेशानी हो रही है कि मीरा यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएगी तो वो एडजस्ट हो पाएगी। वो मेरी बेटी है, वो कहीं भी मैनेज करेगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। अमन, मैं खुद एक बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से हूँ और मैंने हमेशा मीरा को सही संस्कार देने की कोशिश की। तो तुम उसके संस्कार ही तो थे जो उस 2% के मैनेजर के साथ उसने इतनी दोस्ती बढ़ा ली। देखिए एक बात आपको क्लियरली बता रहा हूँ, मीरा एक अमीर और बिगड़ी हुई लड़की है। इसने बेपुर जैसे शहर की लाइफ देखी ही नहीं। 15 दिन एज ए टूरिस्ट बिता के कुछ नहीं होता। यहाँ की ये छोटी छोटी गलियां, ये मिडिल क्लास लोग, ये उसे सिर्फ इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि अभी वो छुट्टी पर है। कल को अगर उसकी यही लाइफ बन गई ना तब समझ में आएगा उसे। इसीलिए कह रहा हूँ आंटी जी, आप तैयारियों पे फोकस कीजिए। ये जो ट्रांसफर का मामला है ये मेरे और प्रहलाद अंकल के बीच में ही रहने दीजिए। मैं अच्छे से जानता हूँ उसका क्या करना है। भैया क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, बुला रहे हैं सब आपको अंदर, चलो। आपकी चाय लेकर आया था, वहाँ ठंडी हो गई थी, दोबारा गर्म कर दी, आप पी लीजिए। प्लीज तुम मीरा से कुछ मत कहना, बहुत ज्यादा हाई पर हो जाएगी। तो मेरा तो हक ही नहीं बनता आपसे पहले कुछ कहने का। मैं क्या कहूंगा, मीरा जी ने मुझसे एक सवाल किया था कि क्या अमन उनके लिए सही है। मुझे उसका जवाब पता है, लेकिन अब आपको भी ये जवाब पता है। बेहतर होगा कि इस सवाल का जवाब आप खुद उन्हें जल्दी दे दें, बात कर लीजिए उनसे, वरना एक दोस्त की हैसियत से मुझे इसका जवाब उसे देना ही पड़ेगा। प्लीज चाय ले लीजिएगा। मौसमी खाएगा बेटा? हाँ रोहन। अरे अरे भैया आप यहाँ बैठे हुए, अरे चलिए नीचे, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, पूरी महफिल जमी हुई है। रोहन कैसा है? अरे ठीक हो जाएगा भैया। अरे चलिए ना, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं आता हूँ। चलिए आइए भैया, देखिए नीचे सब, आइए भैया। मम्मा बड़े भैया किधर है? तुझे तो अपनी माँ से ज्यादा बड़े भैया ही पसंद है। बोलो ना। अरे बाहर ही होंगे बेटा। और अरे सुन सुन सुन, कुछ खा के जा। अरे रोहन सुन। मीरा देखो आगे से प्लीज मुझसे बातें मत बनाना, जो भी बात हो साफ साफ मुझसे कहो ना, मेरे पास आओ, खुद मुझे बताओ, मम्मी को भेजने की जरूरत क्या है। हाँ मैं हूं ना तुम्हारा होने वाला पति, जो भी कुछ कहना है मुझसे कहो, और मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ हमारे फ्यूचर के लिए तो कर रहा हूँ। और मीरा तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स की तरह ही तो है। पर अमन पापा बहुत परेशान है। अरे बाबा इट्स ऑल राइट, तभी तो मैंने तुम्हारे मॉम को बोला कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, सो चिल। अरे आंटी जी बताइए ना, मीरा को खामखा परेशान हो रही थी, इसे बताइए अब तो प्रॉब्लम सॉल्वड है ना। अब आप ही बताइए, इतना अच्छा इतना सुलझा हुआ दामाद कभी मिलता है क्या किसी को?
डोंट वरी। क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। और अभिषेक कुछ तो मुझसे छुपा रहे हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।